हर हर महादेव। आज हम अपन ब्लॉगिंग के स्टार्ट जे कर रही हो महादेव के द्वार से कर रही हो, केदारनाथ घूमे लगी आ लियो। तो अनियो सब एक बार जयकारा लगा दे हर हर महादेव के। तो अनियो के बता लियो ये मंदिर रखे महाभारत से जुड़ा लगे। तो महाभारत से कैसे जुड़ा लगे ये बता भाइयो कि जब पांडव कौरव के वध कल गया तो वहाँ पर पाप हो गए, बहुत बड़ा पाप लग गए। तो वही पाप के प्रायश्चित करे लगी शंकर भगवान के खोज रहा। तो जब शंकर भगवान के पता चल कि पांडव हमारा खोज रहा है तो शंकर भगवान आकर के यहाँ नुक गलखिन पांडव के डर से। तो पांडव के भी पता चल गए कि शंकर भगवान यहाँ रुकल रखिन। तो आ करके पांडव यहाँ पहुँच गए। तो जब पांडव यहाँ पहुँचे तो शंकर भगवान देखलखिन कि सब तो यहाँ भी पहुँच गए, अब हम की करिए। तब जाकर के शंकर भगवान भैंसा के रूप धारण कर लेलखिन, समझ लो कि जेकरा से पता नहीं चले। तो बहुत सारा भैंसा रहे। तो भीम इस पर दिमाग एरा पर दिमाग लगेलके कि दोनों पहाड़ पर अपन पैर फैला दलके, पैरवा फैला दलके। तो जितना भी भैंसा आए सब नीचे से पार कर गए। शंकर भगवान कैसे पार करथिन हल? तो शंकर भगवान जोर से दौड़ लेलखिन, एक झटका मारलखिन। तो भीम पीछे फेंका गए, भीमो समझ गए कि यही शंकर भगवान हखिन। तो भीम की गलके वही जब भैंसवा हल भैंस के रूप में हलखिन, पुछिया पकड़ लेल के वही शंकर भगवान के जो भैंसा के रूप हल के उ धस गलखिन नीचे जमीन के नीचे। तो यहाँ पर तोहनी के बता लियो जो मंदिर है यहाँ शिवलिंग नहीं है, यहाँ पर जो है देखो कि भैंसवा वाला जो पीछे पिठुआ रहा है पुठुआ ओकर पूजा होबा के। तो वही धस गए और बाद शंकर भगवान से पैर हाथ पड़ के माफ़ी मंगल के। तो ओरा से यही यहीं पर जा करके पांडव के कौरव के वध के जो पाप हल वरा से प्रायश्चित होल, वहाँ पाप से मुक्ति मिलल हल। तभी जा करके भीम जो है एगो बहुत सारा बड़ा पत्थर जो है पीछे पहाड़ पर रख दल के हल और बोले हल कि जब भी इस मंदिर पर कोई संकट अत तो पत्थर रक्षा करते। और वही ठीक देखो होल 2013 में जितना भयानक बाढ़ अल हजारों के हजार संख्या में जो आदमी मर गए दह गए कितना नुकसान होल केदारनाथ के, वही पत्थर जो रक्षा कल के मंदिर के। और मंदिर पर ना एक खरोच तक के नहीं अल और वही पत्थर के भीमशिला पत्थर के नाम से अभी सब पूज रहा है। ताहो अब ले चले तो हनिके भीमशिला पत्थर के पास। हमारे पीछे जब पत्थर देख रहा लो है यहाँ पर सब पत्थर के पूजा भी कर रहा है, यही भीमशिला पत्थर है। पहले जाले पत्थर ही पहाड़ पर रहा है और 2013 में जब बाढ़ अल तब जाकर के केदारनाथ मंदिर के पीछे ही आकर के स्थित हो गए है पत्थर, समझ लो। तो एक बोल जाए भीमशिला पत्थर। अब चलो आगे तोरा देखा 2013 में की क्षति हो गए। हमारे पीछे जो पहाड़ दिख रहा हो वही पहाड़ के पीछे से एक बहुत बड़ा धारा अल 2013 में जे कि केदारनाथ के पूरा तबाह कर दल के हल। तो यानी कि पता हो तो यहाँ हजारों हजार के संख्या में आदमी के मृत्यु होल हल। कारण हल कि सब आदमी रात के सुतल हल अचानक से बाढ़ अल धारा और आदमी के टेंट सहित ले ले दिले चल गए। तो यानी कि एक चीज़ और भी बता रही हो कि अभी जो ट्रैक से हम आ रही है वो ट्रैक 2013 के बाद बन ले, 2013 से पहले जो ट्रैक पर आवा रही है हमने चल के केदारनाथ यात्रा कर लिए। तो इस साइड से कर रही है, इस साइड के जो ट्रैक देख रहा है पूरा 17 किलोमीटर के ट्रैक हल और अब जो बदल दल के है तो पूरा हो गए 24 किलोमीटर के, मतलब 7 किलोमीटर बढ़ गए इधर। और आवे में भी कठिनाई काफ़ी ऊंचाई के सामना करे पड़ रहा है, जे पैदल आवा है तो बहुत हालत ख़राब हो गया है। जे घोड़ा से आवा है तो घोड़ा आर वाला के देखो कतरा यहाँ मन बढ़ल है कि रास्ता पर आदमी चल रहा है और बादो घोड़ा से एकदम टकराते घोड़ा लेताड़ी मार रहा कुछ भी कोई यह अथी नहीं है। तो थोड़ा यहाँ के सरकार से निवेदन करे चाहिए इस सब पर थोड़ा ध्यान दो, रत रत भर यहाँ आदमी चला है, इतना नुकसान हो सब जितना जो देख रहा ना पत्थर सब क्षति सब जो है वही 2013 के बाढ़ के ही नुकसान है, देख ले लो ना कितना क्षति होल है। चला अब आगे देखा भैयो। उत्तराखंड के केदारनाथ धाम में 6 टन के ओम स्थित है, जो हमारे पीछे देख रहा लो एकदम शुद्ध कासा के हके। और यहाँ पर बहुत सारा लोग हकीन जो पूरा फोटो सेल्फी वीडियो आर बनावे में लगा लखीन। आ कुछ देर के बाद फिर ले चले तोरा और वहाँ के नज़ारा देखे वो। अगर जो कहल जाए कि यहाँ सच में स्वर्ग से हवा आवा है तोरा में कोई संदेह नहीं, हकीकत है कि यहाँ स्वर्ग से हवा आवा है। चला आगे देखा भाई।
कल चढ़े के समय में तो अंधार हो गलो जे चलते नहीं देखा पेलियो। अभी देखो उतर रहा है तो इंजोरा है तो जैसे देखा दियो, शॉर्ट रास्ता हो गए कैसन एकदम ढुलाव हके और चढ़ाव हके अंदाजा लगा लो देख के। अब मेन जो ट्रैक हके हके देख लो वहाँ पर जो दिख रहा है मेन ट्रैक ऊ होले ठीक। अब एन एस जी है हमारी शॉर्टकट मारा ही है। दो हजार तेरह में जो देखो अले वाला अंधड़ पानी तूफान और क्षति है कि यही कैसन भयानक क्षति है कि आधा पहाड़ ढह गए। आ पहले रास्ता वो वाला हल जी 17 किलोमीटर हल, अब ने पलट के दल के 24 किलोमीटर कर खैर चल रही हो आओ की।